गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर जो है, इसको पढ़ने से पहले मैं इसके कुछ फॉर्मूलेस आप लोगों को बता देता हूँ, जो फॉर्मूले आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ पहले इन फॉर्मूलों पे कंसंट्रेट कीजिए ताकि आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी कॉपी में, जो पहला फॉर्मूला है वो है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, मतलब अगर बेस सेम हो। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इस 2 को हम लोग कहते हैं बेस, और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम कहते हैं पावर, या फिर इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, और अगर बीच में डिवीज़न का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। किसी भी वैल्यू की अगर पावर नेगेटिव होती है तो वो 1/ वही नंबर की पावर हो जाती है। जैसे मान लीजिए 1 की पावर -3 है तो 1/a की पावर 3 हो जाएगा। अगर किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव में होती है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा लिख देते हैं। जैसे a/b की पावर -1 है तो मैं क्या करूँगा, b/a की पावर 1 कर दूँगा। अगर मान लो a/b की पावर -3 है तो मैं b/a की पावर 3 कर दूँगा। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। जैसे 1000 की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 होगा, और 1 की पावर 0 है तो वो भी 1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए को बी से इंटू कर लेंगे और उसकी पावर एम बाहर लिख देंगे, तो a/b की पावर m। और अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसकी पावर लगा देंगे। ये हमारी वीडियो पहली थी जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सेकंड पार्ट हम इस वीडियो का आप देखते रहिए, इस सीरीज़ को पूरा इस चैप्टर के एंड तक। थैंक यू।